दिल्ली में पिछले 25 दिनों से जारी किसान आंदोलन के समर्थन में और केंद्र सरकार द्वारा लाए 3 कृषि कानून के विरोध में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर के नेतृत्व में किसानों को जागृत किया जाएगा। बड़वानी और धार जिले में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के बारे में किसानों को जागृत किया जाएगा। यह किसान बिल कारपोरेट और उद्योग घरानों के लिए बना है, ना कि किसानों के लिए बना है। बड़वानी में सभा का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में किसान और नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोग मौजूद रहे। ट्रैक्टरों में सवार होकर ये सभी किसान कारंजा चौक से रैली के रूप में अंजड़, तलवाड़ा होते हुए ठीकरी और नेशनल हाईवे से खलघाट जाकर सेंचुरी में रुकेंगे। वहीं दूसरे दिन धार जिले के निसरपुर पहुँचेंगे। 2 दिनों तक ट्रैक्टर रैली के माध्यम से मध्य प्रदेश और दोनों जिलों के किसानों को केंद्र सरकार के किसान विरोधी कृषि बिल के बारे में जागृत किया जाएगा। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। क्योंकि उनकी कुर्सी पर 4 लोगों का कॉम्पिटिशन है, अगर वो मंत्री अगर सरकार से इस क्षेत्र के किसान भाइयों से निवेदन है कि वो अपने घर से निकले अपने काम के क्षेत्र में नर्मदा घाटी के बड़वानी से निकल रही है किसानों मजदूरों मछुआरों पशुपालकों की एक बड़ी ट्रैक्टर रैली। ये है 3 किसान विरोधी कानूनों की सच्चाई बताने के लिए। इसमें हमारे साथ केदार सिरोही किसान नेता जिन्होंने गांव बंद करके देखे थे, हमारे साथ रामस्वरूप मंत्री जी जो समाजवादी विचारधारा के संविधान के लिए दलितों आदिवासी किसानों के साथ लड़ने वाले इंदौर के नेता हैं। हम सब लोग राव गांव के नेतृत्व के तहत महाराष्ट्र से प्रतिनिधि आकर बढ़ रहे हैं और हम लोगों का पूरा सोच यही है कि जो भ्रामक प्रचार मोदी सरकार के साथ अभी अडानी अंबानी भी करने में लगे हैं वो इसीलिए क्योंकि उनके पास हमारे मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। जो जवाब अमित शाह जी के साथ चर्चा करने के बाद लिखित में दिया गया है वो जवाब झूठ है, पर उसमें भी कुछ पोल खोल हुई है। उन्होंने कहा है कि खाद्य आपूर्ति में भी हम पूंजी निवेश लाएंगे, मतलब राशन व्यवस्था भी अंबानी अडानी के हाथ चली जाएगी। आज उन्होंने गोडाउन बनाना सोनीपत हरियाणा में शुरू किया, जिसने खबर दी उस जर्नलिस्ट को मार डाला। आज उन्होंने गुजरात में हजारों एकड़ जमीन लेकर गोडाउन बनाना शुरू किया है, ये गुजरात के पुलिस अधिकारी ने निवृत्ति के बाद घोषित किया है। तो आज हम लोग नहीं चाहते कि देश की खेती बर्बाद हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर छीनी जाए। हम नहीं चाहते अन्न सुरक्षा खत्म होकर जो गरीब लॉकडाउन के बाद भी भुगतते हैं वो भूखे रहे और मर जाए। और हम नहीं चाहते कि 17 मिनट में एक आत्महत्या किसान की हो रही है तो मंडियों को निजी हाथ में देकर आज की मंडियों में मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य और उसका आधार भी खत्म हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।